इंद्रगढ़ नगर को साफ सुथरा रखने के लिए रविवार को सुपर संडे के रूप में नगर परिषद के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वार्ड 1 से लेकर वार्ड 3 तक की साफ सफाई कराई गई। सुपर संडे को सुबह 10 बजे सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया गया। सफाई विषय को लेकर रामचंद्र जी मंदिर के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक बुदोलिया, रामलखन गुर्जर, मंडल अध्यक्ष राम स्वरूप मंडेलिया, हरकिशन कुशवाहा, लक्ष्मीकांत खरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, नगर निरीक्षक परमानंद शर्मा, उपयंत्री नंदकिशोर गोस्वामी उपस्थित थे। सफाई के दौरान अशोक बुदोलिया ने कहा कि नगर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जैसे हम अपना साफ घर साफ रखते हैं, हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। नगर निरीक्षक परमानंद शर्मा ने कहा कि इंदौर को देखो कितना साफ और स्वच्छ है, यहाँ वहाँ के नागरिकों की सोच के चलते हो पाया है। महामंत्री भाजपा राम स्वरूप मंडेलिया ने कहा कि इंद्रगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इस बार नंबर 1 बनाना है। सीएमओ यादव ने कहा कि सुपर क्लीन संडे प्रत्येक रविवार को मनाया जाएगा और नगर को साफ रखने का प्रयास किया जाएगा। आज क्या है सर, विशेष प्रोग्राम क्या है सर? मैं सर प्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ पूरे दतिया जिले के अंदर आज जो है सुपर क्लीन संडे के नाम से जो आज जो सफाई अभियान का जो आयोजन किया गया है, इससे सारे नगर में सभी सारे नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी सभी लोग लगे हुए हैं। जगह जगह नाली साफ करने के लिए, पॉलीथिन उठाने के लिए, जो गंदगी है एक स्वच्छ वातावरण पैदा करने के लिए, इससे पर्यावरण अच्छा बने, इस सारी चीज़ों के लिए आज जो है सुपर क्लीन संडे के नाम से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका नगर साफ हो सकता है और पहला नंबर आ सकता है अपना? हाँ सर, प्रयास ये है कि आज का जो देखे सारे नगर के जो हमारे यहाँ स्थानीय कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका का पूरा सफाई कारगार जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी सभी लगे हुए हैं, इनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा उमंग है कि हमारा नगर स्वच्छ साफ हो, तो एक ऐसा लगे कि एक हमारा प्रदेश में और हमारे ज़िले के अंदर एक अपना अलग स्थान हो, अलग पहचान बने। और प्रयास तो सर ये है कि इंद्रगढ़ एक उदाहरण बन जाए, लोग कहें कि इंद्रगढ़ देखने चलो कैसे ही, एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी अवधारणा है, सोच है हम सभी लोगों का।